तो गंगटोक पहुंचने की मेरी शुरुआत इन खूबसूरत वादियों से हो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम की राजधानी गंगटोक दिखाने वाला हूं, जो काफ़ी खूबसूरत है। देखिए, यहां पे होटल की चेन है, होमस्टे हैं, होटल जिंगपोलिंग है, होटल दलाम रेजिडेंसी है, नीचे ही बस स्टैंड है और यहां से ऊपर जाएंगे तो रोपवे पड़ता है गंगटोक का, सीढ़ी से ऊपर जाने पर। देखिए प्यारा सा डॉगी है यहाँ पे। हाय, यहाँ भी देखिए बड़े बड़े होटल एक लाइन से लगे हुए हैं, सीढ़ियों से रास्ता है। और पहाड़ों वगैरह ऐसे ही होते हैं, वो देखिए बादल और नीचे पेड़ पहाड़ी, तो देखिएगा व्यू अच्छा है। वहाँ से रोपवे से व्यू अच्छा आएगा। होटल लेंगडोम, ये होटल होटल की चेन है यहाँ पे। थोड़ा यहाँ पे कॉस्टली है रहना और ट्रैवल करना। यहाँ से पहाड़ों पे आपको नज़ारा काफ़ी अच्छा लगेगा। छोटे छोटे घर खिलौने की तरह लटके पड़े हैं। फॉरेस्ट सेक्रेटरी रानी पुल 8 किलोमीटर, सिंगटाम 25 किलोमीटर, रैंकपो 36, सिलीगुड़ी यहाँ से 113 है। ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक ऊपर बना हुआ है, पाथवे है सड़क को क्रॉस करने के लिए। ये गंगटोक की सारी दुकानें हैं, काफ़ी क्लीन यहाँ पे रहते हैं। और इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है ये सिक्किम, काफ़ी क्लीन रखा जाता है यहाँ पे। होटल नटराज, ये रोपवे बना हुआ है, तो ये रोपवे जा रहा है ऊपर ऊपर। ये देखिए रोपवे जा रहा है, एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी की तरफ, यहाँ से यहाँ तक रोपवे राइड। तो पाथवे के ऊपर से काफ़ी अच्छा नज़ारा आ रहा है। और ये रोपवे का स्टेशन है यहाँ पे। मार्केट भी काफ़ी अच्छी है यहाँ की। घर देखिए कितने अच्छे हैं, ऊपर टीन शेड है क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है, शाम होते ही बारिश हो जाएगी। और पहाड़ों पे सड़क देखिए ऊपर नीचे आती जाती रहती है, ये ऊपर जाती हुई सड़क है। हाँ हाँ, गाड़ी में उनके साथ जो कॉमेडियन थे, उन्हीं के साथ। बहुत कॉमेडियन। हाँ, उन्हीं के होटल में रुके ना, तारिका वाले में। सिंगापुर, अच्छा अच्छा यहाँ की फेमस होगी ना वो। तो हाँ, और गाड़ी अपनी खुद की गाड़ी है। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? नहीं, आप आई थी अभी यहाँ पे देखने लायक क्या क्या है? अरे आपको यहाँ पर नामचंद व्यू पॉइंट चौक है, रोम टेक मॉनेस्ट्री उस तरफ दूर है। हाँ हाँ, एमजी मार्ग है। आप लोग जैसे कुछ मिल जाए आने वाले कि कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, अभी तो पता नहीं हमको, लोकल तो है नहीं कि पता चल जाए। तो क्या क्या आपने बताया? सब ऊपर ही है? हाँ, ऊपर ही है सब, एमजी मार्ग सब एक साथ है। एमजी मार्ग भी उधर ही है, तो मॉल रोड भी होगा उधर ही। मॉल रोड भी है। अच्छा, ऊपर जाए ना, बहुत अच्छा, यहीं से बस रास्ता है। म्यूजियम है। अच्छा अच्छा, मॉनेस्ट्री बड़ा बड़ा है, यहाँ से पैदल जा सकता है। तो ये पास में है? पास में है। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके थैंक्स बाय। तो ये भाई साहब हमारे साथ टैक्सी में आए थे कल। यहाँ से नज़ारा कितना खूबसूरत आ रहा है, बादल पहाड़ और ठंडी ठंडी हवा। और यहीं से रोपवे भी है, इसका प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, 130। आसमान में सूरज कभी कभी दिखाई देता है। प्राइस भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे रोपवे से चलने का, बाकी हर जगह तो 700, 800, 500 ऐसे रहता है। और घर देखिए कितने छोटे छोटे से खिलौने जैसे घर दिख रहे हैं।
यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है अबो 5 ईयर्स 130, 3 to 5 ईयर्स के 68 रुपीज़ है, मंथ पास 959 का बन जाता है। भैया बेबी इधर देखो, कम हो रहा है भाई, नहीं आराम से चलेगा ना ऊपर। दूसरा मिल जाएगा अब सर, यहाँ से वापस ही जा रहे हैं। ये रिटर्निंग राइड है, ये कोई मोनास्ट्री टाइप को दिख रहा है यहाँ पे। और क्या कैपेसिटी 24 पैसेंजर की लिखी, लेकिन 20 ज्यादा बैठाते नहीं है। नीचे का नजारा पहाड़ों से बादल निकल के ऊपर जा रहे हैं, और छोटे छोटे खिलौने जैसे घर। ये बॉक्स वाला घर है, ये तिब्बतन झंडे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये भी कोई मोनास्ट्री है। ये बॉक्स टाइप के घर है सारे, एक साइड ट्रेन जैसे बोगी है वैसे। रामादा होटल है, उसमें एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, बहुत ही प्यारा। कुछ नहीं है लेकिन आदमी देखिए, छोटी छोटी कारें खिलौने जैसी। ये ड्रोन कैमरे वाला व्यू है यहाँ से, वो देखिए स्विमिंग पूल में बच्चे नहा रहे हैं। एक ओपन स्विमिंग पूल है, एक क्लोज्ड स्विमिंग पूल है। सिक्किम वैली, गंगटोक की वैली है। पहाड़ों पे घर लटके पड़े हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। छत पे क्या क्या रखा हुआ है, पजामा सूट
पूछा तो यहाँ राइड खत्म हो चुकी है। मैं शब्द ही ढूंढ रहा था। अरे बेटा इधर आओ। यहाँ पे हमारी राइड ख़त्म हो चुकी है। लिफ्ट से भी जा सकते हैं लेकिन हम लोग स्टेयर से जाएंगे। अब यहाँ से रुपए से चलते हैं।